cardiac cycle, heart to your lungs, blood is transported throughout in your body. With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent, welcome to all of you guys back. In this video, we will discuss about cardiac cycle. We will see how circulation occur in our body, how heart parts function perform in the circulation. We will see how blood can be circulated from your heart to your lungs, and then how it come back from your lungs to your heart, and then from your heart to the body. How oxygenated and deoxygenated blood is transported throughout in your body from your heart. So let's move towards the screen. First of all, this is a schedule diagram of your heart body. Normal heart look like this. Normal heart structure look like this. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कैसे ये हार्ट फंक्शनिंग परफॉर्म करता है इन द सर्कुलेशन ऑफ योर बॉडी, कैसे ये ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प आउट करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास हार्ट की एक डायग्राम है. हियर यू कैन सी अ स्केचुअल नॉर्मली अबाउट द लंग्स, लेफ्ट एंड राइट, सेम लाइक लेफ्ट एंड द राइट पार्ट ऑफ योर हार्ट. सो लेकर चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड से चलते हैं कि कैसे आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन है वो कैसे हार्ट तक पहुंचे. आपकी बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं इन सेंस ऑफ इंट्रेंस ऑफ ब्लड इन द हार्ट ऑफ द नॉर्मल बॉडी. सो हार्ट से जो बॉडी का निचला एरिया है, जो लोअर एरिया जो पार्ट ऑफ द बॉडी है, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड जो कि आपके सेल्स ने यूज किया, उसमें से ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन की और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स कर दी, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है, वो जो लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी उससे निकलता है और वो एक वेन के जरिए, जिसको आप नाम देते हैं इन्फीरियर वेना केवा के नाम से, लोएस्ट वेन that take blood from the lowest part of your body, lowest part of your deoxygenated blood from the lowest part of your body. It comes to your heart from inferior vena cava. Here you can see the numbering, and from this numbering you can easily remember the parts of the heart. So 9 means inferior vena cava. This is called inferior vena cava. From the inferior vena cava, blood come from your lower part of your body into the heart directly into the right. This is 11 means right atrium. जो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट है उससे जो ब्लड की सर्कुलेशन इंफीरियर वेना के वजह से आपके राइट एट्रियम में आ जाती है. सेम लाइक जो आपकी बॉडी का अपर पार्ट होगा उससे जो ब्लड की सर्कुलेशन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल कम इनटू द राइट एट्रियम from the number 15, and the number 15 consists superior vena cava. This is also when that carry blood from the upper part of your body, from the location this is heart, from the upper part of your body to the right atrium part of your heart. So अब हमने blood की entrance को देख लिया कि कैसे blood आपकी body से कैसे इन veins के वो आपकी body जो blood होती है circulation का, वो आपके heart तक लेके आती है. जो deoxygenated blood होता है वो आपके heart तक लेके आती है. अब यहाँ भी heart का काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे पंपिंग आपकी थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, ठीक है ना. पंपिंग में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है. अब इसके प्रॉपर एक मैकेनिज्म जिसको आप पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम देते हैं. आपकी बॉडी में दो तरह की सर्कुलेशन होती हैं, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन ऐसे सर्कुलेशन जो में जिसमें जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लंग्स के पास, लंग्स में मौजूद जो ऑक्सीजन होगी वो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देगी, एंड देन फर्दर वो डिफरेंट ब्लड वेसल से वो जो आपके हार्ट में आ जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लिया कि ब्लड की एंट्रेंस कैसे होती है. ब्लड की एंट्रेंस by inferior vena cava from the lowest part and superior vena cava from the upper part of your body. अब यहाँ पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन आ गई है. जो ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आ गया. यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम पार्ट ऑफ योर हार्ट. अब राइट एट्रियम में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करना स्टार्ट हो गया. इट विल देन वो राइट एट्रियम क्या करेगा, इट विल ट्रांसपोर्ट दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक ना. राइट वेंट्रिकल में उसको मतलब ट्रांसपोर्ट कर देगा. सो हियर विल बी अ वाल्व लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल. इसको आप ट्राई कैस्पिड वेल्व का नाम देते हैं, ठीक है. इसमें ट्राई 3 कैस्पिड जो है कैप्सूल्स मौजूद होते हैं, दैट्स व्हाट वी विल कॉल इट ट्राई कैस्पिड वेल्व्स. अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपके पास आया था ब्लड राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में आने के बाद क्या होगा, ट्राई कैस्पिड वेल्व से जो वो राइट वेंट्रिकल में आ गया. वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपकी बॉडी ने इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से कैरी किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल होगी वहां से डिफरेंट वेजल्स निकलेंगी, ठीक है ना, वो वेजल्स निकलेंगी। सो हियर यू कैन सी ये वाली जो वेजल्स हैं ये ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लंग्स के पास लेके जाएगी, ठीक है ना। सो आप इसकी इमेजिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज गोइंग टू पल्मोनरी वेन, इसको हम पल्मोनरी वेन का नाम देते हैं। नंबर 15 मींस पल्मोनरी आर्टरी का नाम देते हैं। दिस आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल पार्ट ऑफ योर हार्ट टू योर राइट लंग, ठीक है ना। सेम लाइक हियर जो दो तरह की वेन्स निकलेंगी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस विल लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। वो इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके जो लेफ्ट पार्ट ऑफ योर लंग है उस वहां पे लेके जाए। इमेजिन यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल गया फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, दिस इस ट्यूब से जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के आपकी यहाँ पे राइट लंग पार्ट में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एल्वियोलाई मौजूद होते हैं, एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन भी मौजूद होती है वो ऑक्सीजन क्या कि जब ब्लड यहाँ पे क्रॉस करेगा वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड में, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी इट विल स्टार्ट टू आउट इनटू लंग्स इनटू द एल्वियोलाई। सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है बिकॉज ब्रीथिंग के दौरान जो आप एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो एल्वियोलाई में जाके मतलब रुक जाती है, वहां से ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में देता है और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेता है और वही जो ब्लड होता है उसको आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम देते हैं। सो वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा फ्रॉम द लंग्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो वेन्स निकलेंगी, पल्मोनरी वेन्स जैसे आप इसको नाम देते हैं, वो क्या करेंगी, वो ऐसे ही जाके आपके हार्ट में मतलब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगी। अब यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द वेन pulmonary vein that is coming from your lungs to your heart by carrying oxygenated blood। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कौन सी लेके गया था, पल्मोनरी आर्टरी लेके गई थी, लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इट विल कैरिड फ्रॉम द लंग्स टू योर हार्ट बाय नंबर 3 एंड नंबर 3 विल कंसिस्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आपका यहाँ पे ले आएगी, वो आपका लेफ्ट एट्रियम में ले आएगी, ठीक है ना। लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे वार्म अप करना, इकट्ठा मींस इट स्टार्ट टू मूव इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द वॉल्व एंड दिस वॉल्व इज आल्सो कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। यू आल्सो कैन से इट्स मिट्रोइड वॉल्व। सो इस वॉल्व से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वेन्स लंग्स से लेके आई थी और इन चारों वेन्स ने मिलके बोर किया टुवर्ड द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर आगे मूव करेगा into the left ventricle from the valve. This valve is called bicuspid. This bicuspid valve will help in the transport of oxygenated blood from the left atrium to the left ventricle. अब यहाँ left ventricle से क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे left ventricle में आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे ये लंग्स क्या करेंगे, यहाँ से फर्दर आगे ट्यूब्स निकलती हैं, इसको स्पेशली आप एओर्टा का नाम देते हैं, एओर्टा। दिस एओर्टा विल कैरी ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू योर बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना, इसको आप एओर्टा का नाम देते हैं। ये दीज आर बिग ब्लड वेसल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर हार्ट एंड टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द पार्ट ऑफ योर बॉडी टू दैट एरिया टू द टारगेट टिश्यू, जिस टिश्यू को ऑक्सीजन की नीड होगी वहां पे वो ब्लड आपका सर्कुलेट कर जाएगा। अब हमने देखना है कि सिस्टमैटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में फर्क क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स movement of deoxygenated blood from pulmonary artery to your lung and after oxygenation if this will blood will come into your heart from the pulmonary vein, this cycle is called pulmonary circulation। systematic circulation में क्या होता है कि जो आपके left ventricle में oxygenated blood आता है वो oxygenated blood आपकी body में throughout transport करता है और टिश्यूज को जाके, मसल्स को जाके, सेल्स को जाके वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो उसने लंग से मतलब गेट की थी ड्यूरिंग पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो वो टारगेट एरिया पे जाके ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड की सर्कुलेशन का, आप उसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे उसकी हम हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब हमने देखा कि कैसे आपका हार्ट काम करता है प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन में। अब हमने देखना है कि हार्ट की जो एक्सटर्नल लाइनिंग्स होती हैं वो कैसी होती हैं। सो इसको हम फर्दर मैग्निफाई करके देखते हैं। दिस एरिया, वन ऑफ द मोस्ट inner layer that of your heart is called endocardium। ठीक है ना, एंडोकार्डियम के बाद आपके पास मायोकार्डियम की लेयर होती है, मायोकार्डियम से फर्दर आपके पास एपिकार्डियम की लेयर होती है। ठीक है ना, एपिकार्डियम की आगे जो लेयर होती है उस लेयर के दौरान एक कैविटी होती है, उसको हम पेरिटोनियल कैविटी का नाम देते हैं। और इसी पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल फ्लूइड मौजूद होता है जो कि आपके हार्ट को ड्यूरिंग एनी ऑफ द एक्सीडेंटल और सडन ट्रोमा एज अ कुशिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, सो हियर इज द स्केचुअल डायग्राम कैसे आपका हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को बाय कन्वर्टिंग डीऑक्सीजनेटेड इनटू ऑक्सीजनेटेड, एंड हाउ लंग इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम alveoli area to your heart। so here is the schedule diagram। इनके जो आपके नाम है वो आप डिफरेंट सेंसेस से भी याद कर सकते हैं। here you can see the numbers, from the numbers you can follow this table and from this table you easily can remember the parts of your heart। so अब यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि किसी भी तरह की जब आपकी बॉडी में एक्टिविटी होती है, इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम योर ब्लड। ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो आपके सेल्स यूटिलाइज करते हैं, देन सेल्स को एनर्जी मिलती है। जब सेल्स को एनर्जी मिलती है तो वो सेल्स अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि क्या हार्ट की भी कोई अपनी ब्लड वेसल है जो कि वो अपने आप को ब्लड प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है? तो उस आर्टरी को आप कोरोनरी आर्टरी का नाम देते हैं। वो कोरोनरी आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपके, और कहाँ से किस एरिया से ओरिजिनेट होगी और कहाँ पे आगे आपके हार्ट में मतलब वो इंड्यूस करेगी? सो जो आपका एओर्टा होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, वो एओर्टा उससे एक लाइनिंग निकलती है और उसको वो फर्दर आगे कोरोनरी आर्टरी का नाम जो आपके जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जो आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। सो जो आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट के मसल्स को हेल्प प्रोवाइड करता है, स्मूथ मसल्स को। जो कार्डियक मसल्स स्पेशली जो होते हैं वो आपके हार्ट के मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स का नाम देते हैं। वो कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो क्या फर्दर जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में उसमें हेल्प। नॉर्मली जो हार्ट पंपिंग है दिस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पे एस नोड्स, ए नोड्स, दो तरह के नोड्स होते हैं। वो नोड्स क्या करते हैं, हियर यू कैन सी इस तरह के नोड्स आपके लेफ्ट और द राइट जो आपके हार्ट एरिया में मौजूद होते हैं। ये नोड्स क्या करते हैं कि सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। वो सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक इलेक्ट्रिकल इंडक्शन आपके हार्ट में इंड्यूस करेंगे और दिस इलेक्ट्रिकल इंडक्शन विल हेल्प इन द पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीजनेटेड बाय ट्रांसफरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी टू योर लंग एंड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन फ्रॉम योर लंग टू योर हार्ट। सो ये सारा प्रोसीजर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे बेस करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ओरिजिनेट होती है और ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो प्रॉपर पंपिंग जो आपकी हार्ट की जो पंपिंग होती है उसको मैनेज करता है। अब यहाँ पे हम हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी आर्टरी कहाँ पे जाके फंक्शन परफॉर्म करती है, कौन सी वेन कहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करती है। डेट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस सर्कुलेशन सिस्टम इन पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर वन देख लें, दिस इज कॉल्ड एओर्टा। दिस एओर्टा प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू योर बॉडी। दिस आर्टरी देन फर्दर डिवाइडेड into different arteries. This artery further into the capillaries and the capillaries throat reach in the target tissue, in the target cell। वहाँ पे डीऑक्सीजनेशन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बनता है ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उस सेल से टिश्यू से बाहर आके आपके ब्लड में आती है। जो आपके ब्लड से ऑक्सीजन होती है वो आपके टारगेट सेल्स में चली जाती है। दिस आर्टरी दिस कैपिटरीज फर्दर originated further towards the vein। वो veins आपकी बॉडी में यहाँ पे inferior और superior vein के बाकी फॉर्म में आपके हार्ट में deoxygenated blood ले आती हैं। Second one is about pulmonary artery. This pulmonary artery carry deoxygenated blood from the right ventricle of your heart into your lungs. ठीक है ना, तो ये pulmonary artery होती है. Third one, pulmonary vein that carry oxygenated blood from your lungs to your left atrium of your heart. ठीक है ना, इसके अलावा जो fourth one, this is called left atrium part of your heart. Fifth one, left ventricle part of your heart. Sixth means a bicuspid valve that attach both of them and involves in the transport of oxygenated blood from the left atrium to the left ventricle. So seventh means here are some of the brinjal fibers. These brinjal fibers help in the proper conduction, proper electrical signals की conduction में help करते हैं. Muscles को बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओरिजिनेट है और वो पंपिंग करें. दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज फर्दर प्रोपेगेटेड बाय दीज फाइबर्स इनटू थ्रू आउट मसल्स ऑफ योर कार्डियक सिस्टम ऑफ योर हार्ट. सो योर कार्डियक मसल्स कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट इम्पल्स एंड दिस इम्पल्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट हार्ट पार्ट बाय प्रिंजल फाइबर्स. इनको आप प्रिंजल फाइबर्स का नाम देते हैं. इसके अलावा एट्थ इज द सेप्टम. दिस इज न्यू वन. सेप्टम वो वॉल होती है जो कि लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ योर हार्ट को डिफ्रेंशिएट करती है. ठीक है ना. फर्दर अबाउट 10 इज रिलेटेड टू द राइट वेंट्रिकल एंड 11th इज द राइट atrium part. 12 here is about the tricuspid valve, the valve that involves in the transmission transport of deoxygenated blood from the right atrium to the right ventricle. Same like on 13, these are the some of the veins, pulmonary veins that carry oxygenated blood into right atrium part of your heart. Same about the 14 is superior vena cava that carry all of the deoxygenated blood from the upper part of your body, from the brain, from the Niki region of the body parts. Further about the 15 pulmonary veins, same as we have discussed before. This artery carry deoxygenated blood towards the lungs, to the right part of your lung, and this pulmonary artery carry deoxygenated blood to the left part of your lung. Same here are some of the terms that relate to heart. How heart can be differentiated according to subcomponents. How subcomponents involve in the proper circulation of the heart and throughout of your body. So I hope this will be productive for you. Today we have discussed about general how your heart work. How heart help in the proper oxygenation of your blood, of your body, of the your circulation. Proper circulation के हमने देखा कि कैसे जो आपका heart है वो कैसे pumping करने के बाद जो ब्लड होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करता है, और कैसे जो आपकी बॉडी में लंग्स हैं वो कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इसको आप पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम देते हैं. और एओर्टा से आगे आपकी बॉडी में थ्रू आउट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो ट्रांसमिशन होनी है, जो ट्रांसमिशन होगी उस ट्रांसमिशन को आप, उस सिस्टम को आप सिस्टमेटिक pulmonary circulation and the systematic circulation. ठीक है ना, इन दोनों में हमने डिफरेंस देखा, फंक्शन देखा कि हार्ट जो है फंक्शनिंग कैसे परफॉर्म करता है. सो आई होप दिस विल प्रोडक्टिव फॉर यू. थैंक यू सो मच गाइज. वी विल डिस्कस सम ऑफ द न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. सी यू सून.